हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रीना रसोई में। आज मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ लहसुन का अचार, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है स्पेशली हाई कोलेस्ट्रॉल में। और इसे बनाना बहुत इजी है, बिल्कुल 5 मिनट में बन जाएगा। तो चलिए फिर अब हम इसे बनाना शुरू कर। सबसे पहले मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा दिया है, उसमें मैं 1 टेबल स्पून सौंफ डालूंगी, 1 टेबल स्पून मैं काली सरसों डाल रही हूँ, आप इसकी जगह पीली सरसों भी ले सकते हो, और 1/2 टीस्पून ये मैं मेथी डालूंगी और इसे अच्छे से हम भून लेंगे और गैस को मीडियम ही रखेंगे, इसे थोड़ा गोल्डन होने तक हम भूनेंगे। अब आप देख सकते हो हमारा मसाला बिल्कुल भून चुका है, तो हम इसके मिक्सी के जार में डाल के पाउडर बना लेते हैं। अब मैंने, आप देख सकते हो, इसका पूरा पाउडर बना लिया। मैंने थोड़ा दरदरा पाउडर ही बनाया है, इसे एक साइड रख लेते हैं। यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है 1/4 कप, उसको गर्म करके मैंने ठंडा कर लिया था पहले से, आप देख सकते हो, वो मैं इस बाउल में डाल देती हूँ। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून के करीब हींग डालेंगे, हींग से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसमें ये हम पाउडर डाल देते हैं जो मैंने बनाया है। 1/2 टी स्पून में काला जी कलौंजी डालूंगी, काला जीरी जिसे कहते हैं, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और 1 टी स्पून के करीब मैं लाल मिर्च डालूंगी, जो कि ये मेरी कलर वाली है, इसमें मिर्च बिल्कुल नहीं है। और 1/2 टी स्पून के करीब मैं हल्दी डालूंगी, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा, टर्मरिक पाउडर। और नमक आप टेस्ट के हिसाब से डालें, मैं करीब 1/2 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये मैंने 100 ग्राम लहसुन लिया, जिसको अच्छे से साफ करके मैंने छील लिया, वो इसके अंदर हम मिला देंगे। और लहसुन हमारा कच्चा ही है, मैंने कुछ भी नहीं किया, खाली छीला। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह, देखिए। और ये लहसुन का अचार मेरा बिल्कुल बनके तैयार है। इसे हम 3 से 4 दिन धूप में रखेंगे, ताकि ये थोड़ा लहसुन गल जाए और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और ये जो राई है, इसी से इसकी खटाई इसके अंदर आ जाएगी, लहसुन के अंदर। तो और ये अचार ख़राब भी नहीं होता, आप इसे आराम से 5-6 महीने यूज़ कर सकते हो। तो यह रेसिपी आप घर पे जरूर ट्राई करें, और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं रेसिपी देखने के लिए।